पानी बहुत आता है, बहुत भारी जो फसल रहा है, मिर्चा उर्चा सब चला हुआ। जब पानी भर जाता है तो तखा तो बनाते हैं खाना सबको। दिक्कत तो बहुत हो रही, लेकिन बात यही है कि अपना पीपी में रह रहे कहाँ जाएंगे। ये कहना है उन ग्रामीणों का जिनका सब कुछ बरसात में बर्बाद हो गया। गांव पानी में डूब गया, फसलें जलमग्न हो गई, हालात ऐसे हैं कि न घर दिख रहा है, न सड़क और न ही कोई उम्मीद। बाढ़ से मची तबाही की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से सामने आई हैं। पहले भीषण गर्मी ने परेशान किया और अब बरसात ने इन गांव वालों का सब कुछ उजाड़ दिया है। बाढ़ से ये घर में पानी भरा है, वह तो बैठने की जगह नहीं है, इसलिए बंदा पे रह रहे हैं। खाना दाना में दिक्कत भी बढ़ती है कि जैसे लग रहा है कि खाना भी पानी भी, जब पानी भर जाता है तो तखा तो बनाते हैं खाना सबको। अरे इधर उधर से पानी लेते हैं, बना लेते हैं, लाइट का उजियर नहीं है, बस इसमें थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, छोटा सा बल्ब भी लगा है उसमें उजियर कर लेते हैं। अंदर घर गांव में बना था? हाँ बना है, अभी बना हुआ, लेकिन गांव में पानी है। पानी है यार, हमारे जाने रहे। पहाड़ी इलाके में हो रही बरसात और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पिछले दो दिनों से बाढ़ का जल स्तर तो घट रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें कोई नई नहीं है, क्योंकि हर साल बाढ़ से पीड़ित ये लोग सुरक्षित स्थानों को तलाशते हैं। सैकड़ों परिवार पन्नी तिरपाल के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। जैसे जैसे नदी का जल स्तर घटता जा रहा है, कटान अपना विकराल रूप लेती जा रही है और सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन अपने आगोश में ले रही है। पानी बरसात से, बाढ़ से 10-12 बीघा जोंधरी मिर्चा सब रहा है, सब गवा, सब बही गवा, कुछ नहीं है। अब जब बही गवा तो अब कुछ है ये नहीं। अब सब चारों तो रही ना जी, गंधाई लाग है चारा, सब डाड़ा है, सब गंधाई लाग है, चारों नहीं खाते हैं रहा है। जो फसल रहा है मिर्चा उर्चा सब चला गया, कोई बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ब्योर बाबा का वो भी चला गया, धान न लग पाएगा, बहुत भारी नुकसान है यहाँ। नदी के कटान का आलम यह है कि जिस आशियाने को एक एक पैसा जोड़कर लोगों ने बनवाया था, उन पर अब हथौड़ी और घन मारकर उन्हें तोड़ रहे हैं, ताकि कुछ ईंटें और दरवाजे बचा सके। फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो गईं, घर में रखा गृहस्थी का सामान भी अब बेकार हो गया। खेत हो, गांव हो या गांव को जाने वाले रास्ते, सब पर नदी से निकला मलबा जमा है। नदी के किनारे बसे गांव हो या नदी के किनारे जो घर हैं, उनमें रहने वाले लोगों को अब रातों में नींद नहीं आती, क्योंकि नदी अब कटान के मूड में है। नदी की कटान कब उनके गांव, उनके घर को काटकर अपने में समा ले, इसका डर उन्हें हमेशा सताता रहता है और मदद करने वाला कोई भी नहीं है। गांव भैया ये सामने रहा है, हुआ कटर कटर भैया आवा है तो हम पर रोड पर पड़े हैं। जमीने जितिया सब गई भैया, नदी भैया कुछ नहीं। आपके पास जमीन नहीं भैया? एक नाव रहा सरकारी, टूट गया रहा, सऊदे कत्ता बतपाऊ के वह भैया व्यवस्था नहीं कोई करवाए पावा कि एक नाव तो दवाए देबे करती। हर आंखों में बस एक ही उम्मीद है, कब वो दिन आए जब उन्हें यूं बेघर ना होना पड़े।